देवघर बाबा मंदिर में जल अर्पण के लिए अब श्रद्धालुओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। बाबा मंदिर में पानी की किल्लत हो रही है, जिसके वजह से यात्रियों को 20 से लेकर 60 रुपए प्रति बोतल जल बाबा पर चढ़ाना पड़ रहा है। पुजारी का कहना है कि पूरे मंदिर क्षेत्र में पानी की किल्लत है और मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा जो यहाँ के मूल निवासी है, तो हमारे घर में जो यात्री रहे उनको कहाँ से दे। हम लोग रोज 300-400 रुपए का पानी खरीदते हैं गर्मी में, तो हम लोग का जीवन यापन संपूर्ण होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, मंत्री से, देवघर श्रद्धालु लाखों आदमी देख रहे आए हुए हैं, आखिर में पंडा जी के मकान में रहते हैं, पानी कहाँ से लिया है। हम लोग हुई है और पानी की ऐसी किल्लत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर पूरी तरह से सूख गया है, बहुत गंदा पानी निकल रहा है, इससे बाबा के ऊपर गंदा जल भक्त कैसे अर्पित करेंगे। तो अभी क्योंकि अचानक आप सभी लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ चुकी है और श्रद्धालु को भी संख्या बहुत अत्यधिक है, इसके लिए पानी की उपलब्धता के संबंध में हम लोगों के नगर निगम के द्वारा भी और मंदिर प्रशासन के द्वारा और यहाँ जो समाज सेवियों के द्वारा भी पानी को उपलब्ध। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।